नवरात्रि का उत्सव चरम पर है। चारों तरफ ढोल नगाड़े और डांडियों का धूम धड़ाका है। इन सब के बीच देवी की आराधना भी करनी है। समय कम है, ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं कुछ बहुत सरल उपाय जो आप सीमित समय में भी अजमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो 9 खास बातें जिनको आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए याद रखना है। नवरात्रि में अगर आप 9 दिन के उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो अंतिम दिन जरूर उपवास रखें। प्याज, लहसुन, मदिरा, तंबाकू आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। घर में कलेश बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रि के अंतिम दिन श्री सूक्त पाठ करने से घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। अष्टमी और नवमी के दिन माता को इत्र तथा शहद चढ़ाएं, इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन सूर्योदय से पहले पीपल के 11 पत्ते लें, उन पर राम नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाकर इस हनुमान जी को पहना दें। स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नित्य पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।